जब आदमी का काम खत्म हो जाता है तब ऐसे काम करता है आदमी। ये देखो तैयार हो चुका है हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। ये है दोस्तों ऋतिक रोशन। सड़क में काफी बर्फ पड़ी हुई है इसीलिए थोड़ा बाइक चलाने के लिए दिक्कत हो रही है। गाड़ी चला ये देखो ये भाई मुनोज, मुझे लगता है आगे जाना सही नहीं रहेगा गाड़ी में। तो कहीं कहीं पर वो हथियार का काम भी करते हैं इससे, यानी इसकी जो लाइट पड़ती है ना चेहरे पर, तो चेहरा एकदम ग्लो करता है एकदम। अभी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आ रखे हैं एक नए रूट पर, आज हम चोपताओ की मठ की तरफ आ रखे हैं दोस्तों, और ऐसे ही घूमने का प्लान बना तो हम इसी रूट पर हैं। अभी हम मुक्कु मठ के ठीक ऊपर हैं, ये सामने मुक्कु मठ का नज़ारा, जहाँ की बाबा तुंगनाथ 6 माह तक वहाँ रहते हैं। जब तुंगनाथ में कपाट बंद होते हैं तो 6 माह तक मुक्कु मठ के मंदिर में रहते हैं दोस्तों। इसी के साथ जय बाबा तुंगनाथ, आप सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो चलते हैं दोस्तों चोपता की तरफ, वहाँ बर्फ पड़ी है तो आपको भी दिखाते हैं। हल्की हल्की बर्फ शुरू हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए। हाँ, आजकल थोड़ा बर्फ कम देखने को मिल रही है, नहीं तो दोस्तों जनवरी के महीने तो यहाँ पर बहुत सारी बर्फ रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं दोस्तों, बर्फ हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन अभी सड़कें नंगी हैं, यानी सड़कों में अभी बर्फ नहीं है। लेकिन जैसे हम ऊपर तुंगनाथ की तरफ जाएंगे तो वहां हमें बर्फ ज्यादा देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, जय हो हिमालयन। तो हम पहुंच चुके हैं काफी करीब, और अभी रूट में ये रास्ता सड़क में काफी बर्फ पड़ी हुई है इसीलिए थोड़ा बाइक चलाने के लिए दिक्कत हो रही है, गाड़ी चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसीलिए फिसल रही है जो है, टायर फिसल रहे हैं दोस्तों। ये देखो यार पूरी सड़क में बर्फ ही बर्फ है। ये देखो भाई मुनोज, मुझे लगता है आगे जाना सही नहीं रहेगा गाड़ी में है, बैक कर ले, चलो बैक करते हैं। वैसे भी हम गेट भाई साइड लगा दे थोड़ा, मैं पक यहाँ पे सही रहेगा। कबर तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इन बर्फीली वादियों में, देखो हर जगह सफेद ही सफेद दिख रहा है, बिल्कुल व्हाइट यानी बर्फ। और ये है दोस्तों जमी हुई बर्फ, जो कि जब जैसे बूंद जैसे टपकती है पानी की तो वो बर्फ में तब्दील हो जाती है, और ये बनती है बिल्कुल हथियार नुमा बन रखे है। तो जो हिमालयन जो लोग होते हैं जो हिमालय क्षेत्रों में, तो कहीं कहीं पर वो हथियार का काम भी करते हैं इससे, यानी जानवरों को मारने शिकार करने के लिए इसका काम करते हैं दोस्तों। ये रही वो जमी हुई चीज, बिल्कुल बर्फ
बर्फीली जगहों पर ये जमते हैं। और ये मनोज बिल्कुल यहाँ पर मस्ती कर रहा है। बाइक हम ज्यादा यहाँ नहीं ला सके दोस्तों, ज्यादा आगे, क्योंकि रिस्क है, यहाँ बिल्कुल फिसलने का बहुत डर है। बाइक, एक बंदा तो पीछे जो दो लड़के आ रहे थे वो तो फिसल गए दोस्तों, उनकी बाइक नीचे गिर गई। वो तो अच्छा हुआ, शुक्र हुआ कि वो ज्यादा स्पीड में नहीं थे। यहाँ पर रखे हैं हमारे हेलमेट वगैरह। तो दोस्तों बर्फ में बिल्कुल इसकी जो लाइट पड़ती है ना चेहरे पर, तो चेहरा एकदम ग्लो करता है, एकदम व्हाइट सा दिखता है। जो थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी होगा वो भी काला, सॉरी, वो जो थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी होगा वो भी बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखेगा दोस्तों, बर्फीली जो होगी, क्योंकि धूप जो पड़ती है और उससे जो लाइट हमारे चेहरे पर पड़ती है ना, बिल्कुल ग्लो करता है चेहरा, जैसे हमारा चेहरा आज दिख रहा है बिल्कुल। तभी तो दोस्तों बर्फीले जो होगे लोग बिल्कुल सफेद होते हैं, गोरे एकदम से, लाल लाल टमाटर की तरह। ये देखो यार, ये देखो, ये गाड़ी भी आ गई बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए, फिसल रही है यू भी। ये बंदा एंजॉय, लेट्स एंजॉय बाय मनोज। ये देखो भाई, भाई रिस्क है भाई, ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा, तेरे साथ एक इंजरियस पर्सन है, इंजर्ड पर्सन। बिल्कुल बहुत खतरा है नीचे। ओ तेरी, ये क्या दिखा मैं, भाई साहब क्या है भाई, ए आए फोड़ने लगो, पैर नहीं लगाने का। ये तो कभी बाघ ने जो है, जंगली जानवर ने, किसी खूंखार जानवर ने मारा होगा बैल को, उसके सींग देख सकते हैं आप, उसकी खोपड़ी है दोस्तों ये। यह तोपता वैली कौन, रोहित भाई चले हैं शूटिंग करने। हमें कुछ मिले हैं भाई लोग यहाँ पर, ये मंडल घाटी के हैं और ये भी घूमने आ रहे हैं यहाँ। आप कब आए यहाँ घूमने? हम अभी 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 आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम वीडियो ही बना रहे थे, वीडियो फोटो खींच रहे थे, तब तक कहा भाई लोगों ने कि हमारे भी खींचो, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर, करते हैं मजे, एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बनाएंगे बर्फ का गोला, मतलब एक स्टैचू बनाएंगे अभी यहाँ पे, देखते हैं। चलो भाई बर्फ ला, तू मेरे पास ला, तू कटा कर। ठंडी भी हो रही है, ठंडी ठंडी। जब हम बर्फीली जगह पर आते हैं तो हमें ऐसा इंजॉय करना चाहिए। नहीं नहीं भाई तू ला, यार क्या बर्फ नहीं, इतना बड़ा बनाएंगे, खूब बड़ा बड़ा बर्फ ला ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इसका सिर्फ बेस बना है दोस्तों, अभी ऊपर का बनाना बाकी है, पर बनाएंगे क्या, डॉल बनाते हैं। ठंडी बहुत है लेकिन रिस्क से बनता है काम, देखने में काफी गर्म लग रही थी लेकिन देखा तो ये तो काफी नरम है। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर स्कीइंग करते हुए अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी वाली है, ये क्या चीज, ये तो बुरा है खाली, ये पूरा मत लाभ तू यार वहां से क्या बोल दी। यो लाड भी लो, छोड़ी डूंगी लो, प्लस करो डूंगी मिली, सॉरी
जब आदमी का काम खत्म हो जाता है तब ऐसे काम करता है आदमी। जब इंसान बेरोजगार रहता है बिल्कुल सफल होने के बाद ऐसे करता है या बिल्कुल बेरोजगार होने पर ये काम करता है। ये देखो तैयार हो चुका है हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। ये है दोस्तों ऋतिक रोशन। हाँ भैया बिल्कुल। तपस्वी तुंगनाथ में मिले हमको बहुत बड़े तपस्वी। इनका नाम तपस्वी है ये। ये देखिए बहुत गहरे ध्यान में है ये। हम करीब 12 वर्षों से यहाँ पर तप कर रहे हैं। हमने ये बनाया है गौर से देखिए इसको। तमुरा को फोड़ दीजा। तो यार चलते हैं थोड़ी देर आगे पर चलते हैं होटल में थोड़ा चाय पानी पीते हैं। ये पीछे बर्फ पड़ी हुई थी अभी हम बाइक में बैठते हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों ये है चाय जो कि जिसका प्राइस कितना है पूछा भी है। बिस्किट बता दो। ये 10 का बिस्किट है ये छोटा सा टिन्नू सा। अब यहाँ थोड़ा महंगाई है दोस्तों क्योंकि काफ़ी ऊपरी जगहों में हमारे काफ़ी नीचे से काफ़ी दूर यहाँ पर सामान लेना पड़ता है इन्हें बहुत दूर दूर इसीलिए महंगा पड़ता है थोड़ा। तो चाय पीते हैं चाय का आनंद लेते हैं। ये मनोज सीधा नीचे जा रखा है फोटो खींचने के लिए। अरे हमने आज सिर्फ फोटो खींचने का काम किया और क्या किया फिर दोस्तों। अभी यहाँ बर्फ पूरी पिघल चुकी है तो इसलिए ज्यादा मजा नहीं आ रहा है लेकिन पीछे बहुत मजा किया हमने। ऊपर तो बर्फ है लेकिन सड़क में बर्फ नहीं है। दोस्तों हम बाबा तुंगनाथ के काफी करीब थे लेकिन आज जा नहीं पाए क्योंकि यहाँ से पैदल करीब 3-4-5 किलोमीटर है काफी चढ़ाई है ऊपर। तो फिर कभी सही समय पर आएंगे। आज तो अचानक प्लान बन गया चोपता आने का। दोस्तों जा कहीं और रहे थे लेकिन हम दूसरे रूट पे आ गए थे तो हम आज चोपता आ गए। लेकिन चोपता वैली में घूमने का काफी मजा है दोस्तों। मैं तीसरी बार यहाँ आ रहा हूँ। मनोज तू कितनी बार आ रहा है? दूसरी बार। कौन सा नंबर है ये? दूसरा नंबर मनोज का यहाँ आज है। मतलब मनोज दूसरी बार आ रहा है वो भी ऑफ सीजन में आया था मतलब जिस टाइम बर्फ नहीं रहती है गर्मियों के मौसम में वो यहाँ पर आया था। बाकी बर्फ काफी है यहाँ ठंडा भी काफी है। अभी धूप लगी हुई है तो प्यारी प्यारी धूप लगी हुई तो इसीलिए ज्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। टाइम हो रहा है दोस्तों घर जाने का। बाकी बहुत अच्छा मौसम और चोपता में आकर किसी का मन यहाँ न लग जाए ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। काफी अच्छा लगता है चोपता वैली में आने पर। बहुत ही बड़े सुरम्य स्थान ये है देखो दोस्तों रोचक स्थान। तो दोस्तों टोपी मैं भूल गया था अगर इसीलिए इसे रखा है मैंने ताकि ठंड से बच जाऊं। और इसके पास है हेलमेट। तो सीधा चलते हैं अब घर की तरफ दोस्तों। काफी मजा नहीं किया जिस हिसाब से मजा करनी थी हमें उस हिसाब से एंजॉयमेंट नहीं किया क्योंकि दोस्त भी नहीं थे हमारे साथ ज्यादा और बर्फ भी ज्यादा नहीं थी उस हिसाब से कि हम मजे ले सके। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपको जहां पर हम नाश्ता करेंगे। यह हाल है ठंड के हमारे क्योंकि बर्फ ही बर्फ है इसीलिए ठंड की वजह से करना पड़ता है ये सब सर्दी से बचने के लिए।